सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ अगजोरी के मुकदमे में अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी, जहां फर्जी आधार कार्ड के हवाई यात्रा करने के मामले में भी 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के बचाव पक्ष के वकील सईद नकवी का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीटीआर दिखाई गई थी, इसमें पाया गया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में लोकेशन का कॉलम ही गायब कर दिया गया। इरफान के वकील ने सीटीआर में टैपरिंग का आरोप लगाया है। सीटीआर मामले में संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना था कि न्यायालय के समक्ष नियम और विधि के अनुरूप पूरी तरह से प्रमाणित ऑटो जनरेट सीटीआर प्रस्तुत की गई है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस तरह के भ्रम न फैलाए जाएं और सभी लोग सही कार्य करें। मामले में सीटीआर का जिक्र हुआ था, कल सीटीआर जो पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस की गई उसमें लोकेशन का जो ऑप्शन था वो खाली था, तो कहीं ना कहीं एलिगेशन है जो हमारे वकील होंगे कि पुलिस और टेलीकॉम कंपनी की मिलीभगत से ये किया गया था। देखिए, माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुरूप कल सर्टिफाइड सीडीआर जो है वो माननीय न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई है और ये ऑटो जनरेटेड होता है। और जैसा कि पुलिस उपायुक्त पूर्वी को यह निर्देश दिया गया था कि वे इसे प्रिजर्व रखेंगे और वे इसे न्यायालय को जमा करेंगे, तो न्यायालय के समक्ष नियमों के अनुसार विधि के अनुरूप पूर्णतया प्रमाणित ऑटो जनरेटेड सीडीआर जो कि कंपनी ने दिया है उसे दिया गया है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार के भ्रम न फैलाए जाएं और विधि के अनुरूप जो न्यायालय की कार्यवाही है उसके सामने हम सभी लोग लीगली बाउंड हैं कि हम सही सही कार्य करें।